भाई लोग, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं टेक अनबीटेबल चैनल। तो भाई लोग, जैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 8s, जो 5G का फोन कल लॉन्च होने वाला है। लॉन्च तो आके हो गया भाई, लेकिन कल पहला सेल होने वाला है। तो भाई लोग, ये वाला फोन क्या कुछ हमको इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे भाई लोग, ये वाला फ़ोन जो भाई लोग Realme 8s 5G का फ़ोन है, ये आपका दो वेरिएंट में आता है, एक 6 GB रैम वाला और एक 8 GB वाला रैम। भाई इसका कलर का बात करें तो ये दो कलर में आपका, तो भाई लोग ये वाला जो फ़ोन है इसमें आपको दो कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, एक जो है यूनिवर्सल पर्पल और दूसरा जो है यूनिवर्सल ब्लू। तो भाई लोग, दोनों का जो वेरियंट है 6 और 8 GB वाला मॉडल, इसमें दोनों का डिफरेंस होने वाला है कोई 2000 का। पहला है 18000 का और दूसरा है 20000 का। तो भाई लोग, कुछ हम लोग इसके अंदर इस हार्डवेयर की बात करें तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करा गया है, चलिए बात। तो भाई लोग, ये वाला जो फ़ोन है इसमें आपको MediaTek 810 का इस्तेमाल किया गया है, और ये वाला जो स्मार्टफोन है इसमें आपको बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 64 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, यानी मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, एक मैक्रो, दो मैक्रो 2 MP का और एक माइक्रो लेंस, क्योंकि 64 MP को देखने को मिलेगा। जैसे कि इस बजट में सारा ही फ़ोन अभी 5G आ रहा है, तो भाई लोग ये वाला भी 5G का ही 5G का बैंडविड्थ का सपोर्ट मिलेगा इसमें। तो भाई लोग, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई लोग, कल ये वाला फ़ोन लॉन्च होने वाला है, उसके जस्ट 1 दिन बाद आपका जो Realme का 8i है उसका सेल भी चालू होने वाला है। तो भाई लोग, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो में।